नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे ऑफिस ऑफ द वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी NHM रेसी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की, उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो ये जो वैकेंसी निकली है परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेसी के लिए है, जिसमें मेडिकल ज्यूरिडिशन या फिर बात की जाए तो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। इसमें अगर देखें तो फीमेल मल्टीपल हेल्थ वर्कर की पोस्टें हैं, यानी NM की पोस्टें हैं, टोटल 7 पोस्टें। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए FMPWHW या SMFU का या फिर NM का। और एज आपकी 45 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, 45 साल से ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर मंथ पेमेंट है इसकी 12,000 रुपये। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी 60 पॉइंट्स की, मैट्रिक 10 पॉइंट, मैट्रिक्स लेवल के आपके 10 पॉइंट्स जुड़ेंगे, डिप्लोमा के आपके 15 पॉइंट्स जुड़ेंगे और वाइवा के 15 पॉइंट्स जुड़ेंगे, यानी टोटल 100 पॉइंट्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। OT TECH की एक पोस्ट है, इसमें भी मैट्रिक्स का 12वीं पास होने चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। OT में 12,000 रुपये पर मंथ पेपर आपको पैसे मिलेंगे और बाकी सेम प्रोसेस सिलेक्शन क्राइटेरिया की वही है जिस NM में थी। उसके बाद ISM दवासाज इसकी एक पोस्ट है, इसमें भी 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में SMF डिप्लोमा होना चाहिए, वही क्राइटेरिया रहेगा इसमें भी एजुकेशन वाला। उसके बाद जूनियर स्टाफ नर्स की टोटल 9 पोस्टें हैं, इसमें 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में 12वीं पास होनी चाहिए, GNM की ट्रेनिंग की हुई यानी डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज 45 साल तक है तो अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 14,500 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी और इसमें वही क्राइटेरिया रहेगा जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के 60 पॉइंट्स होंगे, मैट्रिक्स या 10+2 के 10 पॉइंट्स होंगे, GNM डिप्लोमा के 15 पॉइंट्स और वाइवा के 15 पॉइंट्स होंगे, यानी टोटल 100 पॉइंट्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। टोटल इनमें पोस्ट की बात की जाए तो टोटल ये 18 पोस्टें थी सारी मिलाकर स्टाफ नर्स NM और जूनियर नर्स की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ऑफिशियल साइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। जब भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाते हो या इंटरव्यू में अपेयरिंग होते हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का TA DA दे नहीं होगा। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास चाहिए, मैट्रिक का डिप्लोमा है वो भी आपको चाहिए, यानी 10वीं मार्कशीट भी चाहिए, क्लास 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप NM GNM के लिए कर रहे हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन क्या है तो वो लगाना पड़ेगा, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिससे बना है उस अथॉरिटी की सील होनी चाहिए, यानी मोहर लगी हुई होनी चाहिए। और इसको क्या करना है, आपको फुली अटेस्टेड करना है। इसको टेस्टेड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड करेंगे, इसमें आगे वीडियो में दिखाएंगे, उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट लगाइए और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इसको 10 जुलाई 2019 से पहले ऑफिस ऑफ द वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी चीफ मेडिकल ऑफिसर रांची के आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। और इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो लिखना पड़ेगा और ये अपॉइंटमेंट किसके लिए आप चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हैं उनको लिखिए, उनमें कितने मार्क्स हैं वो भी लिखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट कौन से थे वो सब लिखना पड़ेगा इसके अंदर, लिखकर आपको जो एड्रेस ऊपर बताया तो उस पर भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।